राजू पाल किसी का पति नहीं था, उमेश पाल किसी का पति और बेटा नहीं था, उसकी माँ माँ नहीं थी, लेकिन अतीक की माँ माँ है, असद की माँ माँ है। वाह रे वाह, कहते हैं जब लगा फटने तो खैरात लगी बटने। वो वैसे ही वोट दिया है क्या योगी जी को? योगी जी को हिंदू दिया है जनता वोट। एक अतीक के मरने से कानून व्यवस्था खत्म हो गई, और जब अतीक का राज था, ये तो नाम का समाजवादी पार्टी का सरकार था, लेकिन वो सरकार चला कौन रहा था? तीन व्यक्ति वहाँ के, आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। और यहाँ रोज 10 मरते थे, इन लोग का शिकार होते थे, तो सरकार पर सवाल नहीं थी। और आज अपने पर, अच्छा जब अपना पे लगा तो पता चला कैसा चोट है। अब वो जिसने चमड़ी छील के, यही अतीक अहमद है, एक वो भी तो मानव था, वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी का पति था, चमड़ी छील के फेंकवा के पुलिस को फोन किए थे, डायरेक्टर थे नोएडा अथॉरिटी के, ऑफिस में जूता खोल के मारे थे, उसके पद की कोई गरिमा नहीं थी। कितना बड़ा बेखौफ दुनिया था। वो फिल्मों में जो आप देखते थे मोगैम्बो, वो मोगैम्बो का साम्राज्य था। आज एक मोगैम्बो का साम्राज्य का अस्त हुआ। हालांकि इस मौत से मैं खुश नहीं हूँ, उसको मरना नहीं चाहिए, पीरा है मुझे, अभी और तड़पना चाहिए। ओवैसी साहब कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? हाँ हाँ, है रहा तो तेरे को क्या जा रहा है ओवैसी? जब मुसलमान को, जब मुसलमान इतना आग उगल रहा है, अरीलो का बस चले दन काटे, ओवैसी का, आजम खान, मुख्तार अंसारी का बस चले तो हाँ, जो अताताई है वो मर रहा है, तेरे को पीरा हो रहा, तू आ जा यूपी में। वो किसी का बेटा नहीं था, जिसका 12 बीघा जमीन के लिए उठवा लिया था, वो किसी का बेटा नहीं था, वो किसी का पति नहीं था, उसके 4 बच्चे भटक रहे थे, वो किसी का पति नहीं था, इसको कुछ दिन और जीना था। दुनिया में सबसे बड़ा शोक पुत्र शोक होता है, तो अभी तक उसने दूसरे के पुत्र को, दूसरे के बेटा को मरवाया था, आज अपना बेटा मरा था, तो उसका शोक कुछ दिन मनाना चाहिए। पत्नी इनामी घोषित थी बदमाश, तो पत्नी इनामी बदमाश को भी पकड़ाती, संपत्ति पर बुलडोजर चल ही रहा था, ये सब पीड़ा देखता। उसके पाप का अंत मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो मर गया वो अंत देखा नहीं, तो प्रायश्चित देख कर मरने पर व्यक्ति को लगता है ईश्वर नाम का भी कोई चीज़ है। दुनिया में ईश्वर का लठ का भी एक प्रावधान है जिसमें आवाज़ नहीं होती है। रागनी जी, एक बात है, स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि पाप और पुण्य का फैसला यही होता है, तो मरने के 10 मिनट बाद उनका ट्वीट आना, क्या लगता है कि कोई 2024 की प्लानिंग है कि पोलराइज किया जा सके वोट को, इसलिए बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, ये तो मैं उनका ट्वीट स्वतंत्र देव सिंह जी का नहीं देखी हूँ, तो इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। ये सही है, पाप पुण्य का फैसला वही होता है, यही है, ऊपर कुछ भी नहीं है, सब यही है। रामायण में बाबा तुलसी लिखी है, जे करई जो कर पाव फल सोई, निगम नीत बखान सब कोई, कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान राम का आंशिक अवतार मैं रूप में देखती हूँ योगी जी को। उसने, अतीक अहमद ने कितने का कोख उजाड़ा था, तो उसका बेटा भी मरा यही, ये देखा ना वो, तब पाप पुण्य हो सकता है, उनका यही मत होगा, यही लोग देखता है, हो सकता है, ये तो आप मीडिया अपने मन से कह रहे हैं ना, लेकिन उसने तमाम लोगों का कोख उजारा था, तो उसका भी कोख उजरा वो यहीं देखा, ये भी तो हो सकता है। लेकिन असद अहमद की जिस तरह से इनकाउंटर हुआ झांसी के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे से ज़्यादा थोड़ा ही हुआ था, 72 घंटे, अतीक अहमद का अगर कहें उनको मार दिया जाता है, 3 लड़के आते हैं और जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं, तो ये जो नारा लगाया इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उसको हिंदुत्व से, हिंदू से जोड़ा जा रहा है। देखिए, हो सकता है ये कलावा का छलावा हो। इस देश में दो तरह से बर्बादी घेरी जाती है, एक तो जिसने तलवार के बल पर सलवार खोला, मैं बार बार कहती हूँ वो तो कट्टर बन गए, कट्टरपंथी,
आ एक चुपके से किमार खोला, जो हम सलवार तो नहीं खोलेंगे, हम किमार चुपचाप खोल देते हैं, तुम आ जाओ लेकिन हम रहेंगे हिंदू बन के ही। वो बने बामपंथी। अतीक अहमद टूट चुका था, उसका बेटा मर गया था। दुनिया में सबसे बड़ी पुत्र शोक होती है शोक में, जो रावण भी इस चीज़ को रावण कह के गया है, जो पुत्र शोक से बड़ा दर्द कोई दर्द नहीं है इस धरती पे। उसका बेटा मरा था, उसकी संपत्ति जा रही थी, वो खुद कानूनी शिकंजे में था। तो इतना टूट चुका था जो उस आका का वो नाम बता देता है, ये सब में किस किस का हाथ है, क्या ये साजिश नहीं दिख रही है। जो उस आका बड़ी मछली तक पहुंच गए थे, लगभग हमारी कार्रवाई पहुंच गई थी, उसके पहले मार दिया गया ताकि बड़ी मछली ना फंसे, ये भी तो हो सकता है। आपका कहने का मतलब है कि अतीक अहमद कुछ ऐसा जानता था जिससे मरवाया गया, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या डक, कह नहीं रहे, ये सत्य है। मैं सशंकित बयान नहीं दी कभी, ये सत्य है। ये इसमें बड़ी मछली कौन है, मीडिया के रूप में गया, दोस्त जेल में बंद थे दोनों, एक जगह कैसे आए, एक हथकड़ी में दोनों कैसे थे, रूटीन चेकअप की जानकारी कैसे बाहर हुई। अब तो क्या हुआ, वो तीन हिंदू भी पकड़े गए, 17 पुलिस पर विभागीय कार्रवाई तो होगी ही, हो सकता है दंड भी भुगते वो। तो पुलिस को मीडिया का बैग सर्च करने की अनुमति है? नहीं है। तो ये कितने, एक मरने को तो मर गया। तो कहते हैं ना, हमारे बिहार में एक मिथिलांचल में कहावत है, जे कायत मरलो पर खायत। तो ये तो जिंदा में था तो हिंदू का दुश्मन था ही, मरने पर भी 10-20 को लपेटे में ले लिया। कितना बड़ा निशाचर था, निशाचर के वध पर इतिहास गवाह है, जस्ट मनाना चाहिए। आप निशाचर कह रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अतीक अहमद को मारना गलत था। अरे तो पड़ोसी को पापा कहने वाले को हमारी क्या औकात की हम रोक दें, गलत था। और वो जिसका कोख उजारा था वो सही था, ये गलत है तो वो सही था। राजू पाल किसी का पति नहीं था, उमेश पाल किसी का पति और बेटा नहीं था, एक कोई मरे हैं ना पुलिस जिनकी शादियाँ भी नहीं हुई थी, उसकी माँ माँ नहीं थी, लेकिन अतीक की माँ माँ है, असद की माँ माँ है। वाह रे वाह, कहते हैं जब लगा फटने तो खैरात लगी बटने। यही सत्य है, ईश्वर सब देख रहा है। और इसको तो कुछ दिन और जीना था ताकि बड़ी मछली पकड़ा थी। मुझे तो लग रहा है पूरी तरह से खड़यंत्र है, खड़यंत्र देख रहे हैं बड़ी मछली को बचाने के लिए। और एक बड़ी बामपंथी साजिश का शिकार बने ताकि योगी सरकार बदनाम। योगी जी को मारना रहता तो अभी क्यों मारते, ये तो पहले ही उसको मार देते। क्या पहले रूटीन चेकअप में वो नहीं आता था? नहीं, सवाल योगी जी पे ये खड़े हो रहे हैं कि योगी जी जब से आए बुलडोजर और ठोको नीति पे काम हो रहा, समाजवादी पार्टी के इतने प्रवक्ता सब कह रहे हैं कि कानून का योगी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, योगी जी के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। खुद ओवैसी साहब ने कहा कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा है। ओवैसी वोट दिया है क्या योगी जी को? योगी जी को हिंदू दिया है जनता वोट, ओवैसी के वोट से योगी जी आए हैं क्या? इस पर भी कार्रवाई हो। मैं मीडिया से के माध्यम से मांग कर रही हूँ जो अब ओबैसी की पर कार्रवाई हो, इस कुत्ते पर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी के सरकार मांग कर रही है, अब वो दिन याद कीजिए, आप लोग मीडिया हैं आपको तो सब पता था, त्राही माम था, निठारी में लगभग 55-60 बच्चे की हड्डियाँ मिली थी, वो किसी का घर नहीं उजरा था। और क्या कहें, एक समाजवादी पार्टी के बड़े जिम्मेवार व्यक्ति बयान देते हैं, जब बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। वाह रे वाह, 60-70 बच्चे मरे तो छोटी घटना हुई, एक अतीक अहमद मरे तो सारे समाजवादी पार्टी के नेता, हालांकि मैं राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं, एक साथ कितने प्रवक्ताओं की बीवी रांट बन गई। हमें लगता है मांग न धो ले सब अपना, उसके शोक में अपनी चूड़ियाँ न तोड़ ले। क्यों? तो फिर जब अतीक राजू पाल के हत्याकांड हुई, उमेश पाल की हत्याकांड हुई, तो क्यों नहीं मीडिया या पुलिस या चाहे जो भी विरोध कर रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, वो वैसी हो, क्यों नहीं रांट बनी उसकी बीबी पत्नी, क्यों नहीं रांट बनी उसकी बेटी बहू? उमेश पाल किसी का बेटा नहीं था क्या?
लेकिन एक बात मैं लास्ट और आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से अगर बात करें मीडिया के सामने जिस तरह से मारा गया, तो इसलिए सवाल खड़े हो रहे कैमरे के सामने कोई इतना अभयभीत हो सकता है कि कैमरे के सामने ही इनकाउंटर कर दे और गोली मार दे? जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार वो वीडियोज और फुटेज चलाए जा रहे हैं, तो लोगों के मन में भय है कि योगी जी आए तो ये सब कुछ हो रहा है। मैंने योगी जी आने समाजवादी पार्टी में, योगी जी थे क्या जब निठारी कांड हुआ था? तो ट्विंकल शर्मा मरी थी तो योगी जी थे क्या? इतने जो हत्याकांड हुए थे तो योगी जी थे क्या? आप सरकार को क्यों लपेटे में ले रहे थे? ये तो जैसा कर्म किया वैसा फल मिला है उसको, लेकिन अभी नहीं मिलना था, दो चार पाँच साल और जीवित रहना था ताकि कर्म का फल इत्मीनान से भरपूर देके उसको ईश्वर पर भरोसा हो जाता, ये ईश्वर की न्याय प्रक्रिया जो है बहुत मजबूत है। लेकिन अचानक मरने से ईश्वर पर भरोसा नहीं होता है, अरे हम तो मार दिया कोई बात नहीं। लेकिन जब तिल तिल मरता, उसकी पत्नी गिरफ्तार होती, उसके और संपत्ति आका गिरफ्तार होता, आखिर वो अतीक अहमद की क्या औकात थी? मुख्तार अंसारी का क्या औकात था? कोई तो उसका संरक्षक था, उसके अब्बू थे, वो अब्बू पकड़े जाती, अब्बू पर लठ चलती, तब कुछ मजा आता, ऐसे कुछ अच्छा नहीं। राजनीति में देख रहे हैं, कुछ राजनीति के नेताओं की बात आप करना चाह रहे हैं? नहीं, राजनीति तो हमें आती नहीं है, हम तो ईश्वरीय दंड प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, राजनीति हमसे होगी भी नहीं। मैं बार बार कहती हूँ जो इस जन्म में राजनीति तो नहीं कर सकती, मुझसे होगी नहीं, लेकिन मैं तो ईश्वरीय विधान की बात कर रही हूँ। जब कुछ दिन और जीना था ताकि और कुछ देखता, कई प्रवक्ताओं की धर्म पत्नी जो रांड बन गई है उस पर भी लठ चलता तो सबकी पत्नी सुहागन बन जाती। लठ एक ऐसा चीज़ है, वो भी योगी जी का लठ तो बड़ी मजबूत है, जो सब हो जाता। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कह रही हूँ, जो ये दुनिया देख ले, जो रावण का जब अंत हुआ, कंस का जब अंत हुआ, तो कलयुग में भी निशाचर का अंत तय है, तय है। ये हमारे साथ रागिनी तिवारी जी थी। जिस तरह से अगर आपने देखा कि अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, इसके बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट है, धारा 144 लगा दी गई है, और पूरे यूपी में जिस तरह से अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें, सारी अपनी मीटिंग्स को उन्होंने कैंसिल कर दिया है, और पूरे जो घटनाक्रम है प्रयागराज का, हर दो घंटे में रिपोर्ट सीएम मांग रहे हैं कि दो घंटे की हर रिपोर्ट मुझे चाहिए, और उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर शाह। जय।